नहीं तो पैसा नहीं। अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रेवल करते हैं, चाहे स्टेशन हो या चाहे इंडियन रेलवे हो, अब आपको बदलना होगा समय के साथ, बिकॉज़ करप्शन बड़ा है, हेराफेरी बड़ी है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो समझदार नहीं बनेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। देखिए, अगर आप रेलवे में ट्रेवल कर रहे हैं, पेंट्री कार हो या फिर कोई भी स्टॉल हो जहाँ से कि आप खाने की चीज़ें ले रहे हों, पानी की बॉटल्स ले रहे हों, चाय ले रहे हों, या आपने अपना डिनर मंगाया हो या फिर लंच मंगाया हो, आप उनसे बिल मांगे, ये आपका अधिकार है और वो बिल देंगे। बिल नहीं देंगे तो समझिए खाना फ्री। ऐसा नहीं है कि भैया नहीं, आप पैसा नहीं दोगे तो भैया खाना वापस, बिल्कुल वो नहीं ले सकते हैं आपसे। आप खाना फ्री में खाएं वो आप, क्योंकि बिल अगर आप नहीं लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि भैया आपको किसने खाना दिया, कहाँ से आपने बाई किया, पता नहीं जहर है उसमें क्या है नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और बिल लेंगे तो सही रेट आपसे लिया जाएगा। खासकर पेंट्री कार में ज़्यादा चार्ज किया जाता है। जो चीज़ें आपको, मान लीजिए कि वेज थाली 80 का मिलना चाहिए, 120-130 का मिलता है। नॉन वेज आपको जहाँ पे 90 का मिलना चाहिए वो उसको बढ़ा के मिलता है, 110 की जगह जब महंगा मिलता है। तो क्या सही रेट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार IRCTC के द्वारा अगर गलत चार्ज कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है IRCTC पे जाके कंप्लेन करने का, 139 पे कंप्लेन करने का, ट्विटर के माध्यम से कंप्लेन करने का। और आप जब भी ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाएं, अगर कोई भी अगर हो सके, फ़ोन हर किसी के पास है तो उसका हथियार का इस्तेमाल करें, अपने फ़ोन को अपना हथियार बनाएं और उस वीडियो को रिकॉर्ड करें जहां पे TT अगर आपसे गलत चार्ज कर रहा है, किसी से पैसे ले रहा है सीट देने के नाम पे, या फिर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है खाने के नाम पे, या कोई गलत हेरा फेरी हो रही है, आप उसका वीडियो बनाएं, हमें आप व्हाट्सएप करें, कंप्लीट हेल्प हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे और बाकी लोगों में भी जागरूकता फैलेगी और धीरे धीरे ये जो हेरा फेरी भारत में चल रही है, करप्शन है, लोगों को ठगना, ये बंद होगा। कि इस मुहिम को आप चालू करें, अगर भारतीय रेलवे में आप स्टेशन में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ आपको नज़र आता है, आप हमें उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल से व्हाट्सएप कर दें। आगे हम लोग उस वीडियो को अपलोड भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी और बदलेगा भारत।